जय छठी मैया। हमारे आज बहुत माने उत्सुकता का विषय है कि हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री नारायण मिश्रा जी उपस्थित हैं, और उससे भी सबसे खुशी की बात है कि आज वो दिल्ली में विरोधी दल के नेता हैं। मैं आपका समय अपचय न करते हुए मैं उनको निवेदन करता हूं कि इस मंच से सभापति महोदय को बधाई दू छ, बधाई देवता नहीं मते छठ पूजा दिन 4:30 बजे आसवार लगे कहले एका समय रे समलपुर बरेपाली चंदन नगर हीराकूद बुर्ला सबुआडे बोले 4:30 रु 5 भितरे आस मु बोली कि एका संगे केते खण हेकि आसी पारे तो से जगह रे बरेपाली पहुँचनी बाकी जगह मान को पहुँची नहीं पार्ली। तो आज तापर दिन से मैंने मत ठेकुआ फेकुआ धरिकी जा प्रसाद तार प्रसाद खुआले आइले कि नहीं आज तुमको आईबार अच्छे मुई आपण मान सामने ये जगह पहुँचीछे ऐसे तो मत कहले कि नहीं से शंकर मंदिर महादेव मंदिर रो मंदिर काम पूरा नहीं आओ किसी टंका लगवा एस्टिमेट कर दूँ जिते टंका भी लगवा पहला दफा रे 5 लाख टंका से मंदिर कंप्लीट हो बधाई धन्यवाद। वर्तमान हमारे सब जोरदार ताली से उनका शुक्रिया किया गया। उसके बाद उन्होंने हमारे एक जहाँ पे कल्याण मंडप बनाने के लिए हम लोगों को बोले उसमें जो भी खर्चा हो 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा हो हम उसका एस्टिमेट बना के देंगे और उन्होंने हमें वो फंड देने का प्रतिश्रुति दिए हैं और उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, जैसा कि अभी कल ही की बात है हमारे यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं सब छठ पूजा के उपवास पर लीन थे और उपवास जो करते हैं क्यों करते हैं मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं इतना कहूँगा कोई रोजा रखता है तो कोई उपवास रखता है, कोई रोजा रखता है तो कोई उपवास रखता है और जन्नत उसे मिलती है मेरे दोस्त जो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखता है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को साथ रखता है। माँ माँ एक छोटा सा शब्द है, छठी मैया माँ का इसमें थोड़ा सा अंश आता है, माँ माँ एक छोटा सा शब्द है लेकिन ये शब्द समुद्र की तरह विशाल है, बेपया है। माँ मार कर खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। माँ मार कर खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। पत्नी वाइफ यानी कि घरवाली कभी मार कर नहीं खिलाती, खाना देती है, खाना है तो खा नहीं तो जा, लेकिन माँ मार कर खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाता है, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगता है और थक हार कर जब हर लौटता है बिना खाए पिए सो जाता है, उस माँ की आंख में आंसू आती है और उस माँ रात को अपने बेटे की जेब तलाश करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ के दिल में डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं है, जहर की पुड़िया तो नहीं है। ये होती है साहब माँ। कहते हैं कि छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता, छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता, और जिस घर में माँ नहीं होती ना वो घर कभी घर नहीं होता, वो घर कभी घर नहीं होता। तो दोस्तों माँ का आशीष और आप सबके दुआएं लेकर फिर से एक बार फिर संगीत की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। और अच्छा अच्छा तो आइए दोस्तों
आपके बीच वो जो खूबसूरत आवाज रखती है, वो जो खूबसूरत अंदाज रखती है, वो जो अदाकारियों की एक मलिका है, उस मलिका को स्टेज पे आमंत्रण दे रहा हूँ। इस यकीन के साथ में की तालियों के रूप में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इस गायिका को मिलेगा। लेकिन ये बताता चलो जाते जाते, अभी जो गायिका आपके बीच आ रही है, काफी नाम कमाई हुई गायिका है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपनी आवाज की खुशबू बिखेरती है। महुआ चैनल के विनर आपके बीच से आ रही है, मैं बुलाना चाहूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके बीच आ रही है इस रत्न चौहान जी, आइए उनका खूबसूरत आवाज का जादू अभी आपके बीच बोलेगा और गुमला का हर वासी यही बोलेगा कि इस रत्न चौहान कमाल है, कमाल है, कमाल है। और भाई इतने सारे भक्तों की भीड़ है और जयकार ऐसी होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। एक बार चाहूंगी जितने भी भक्त दरबार में आए हुए हैं, माँ के चरणों में बैठे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर सा दीदार हो रहा है मैया रानी का, तो मैं चाहूंगी जरा हाथों को खोल के जयकार लगाएं, सच्चे मन से जयकार लगाएं। उठा लीजिए एक बार जरा हाथों को ऊपर, जिन भक्तों को मैया रानी ने प्यारे प्यारे हाथ दिए हुए, एक बार जरा हाथों को उठा के जयकार लगाइए। ये बात सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए, हमारे सभी अतिथियों की भीड़ भी सारे भक्तों के हाथ ऊपर होने चाहिए। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दीदा मैया की, बोलिए छठी मैया की, जयकारा शेरवालिदा बोल सच्चे दरबार की। हां जी, जय की आवाज। मुझे लगता है जैसे जैसे ये भजन संध्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे लोगों की आवाज बढ़ती जाएगी, तो आइए कुछ भी सुनाओ। उससे पहले बड़ी ही प्यारी बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, जरा गौर फरमाएंगे। कहना है आप सबको पहला पैगाम है मेरा, आप सबको पहला पैगाम है मेरा, बस आपकी तालियां ही इनाम है मेरा। और इससे पहले कि कुछ प्रस्तुत करूं मैं, इससे पहले कि कुछ प्रस्तुत करूं मैं, आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम है मेरा, सादर प्रणाम है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्यारी प्यारी तालियों के लिए। आज आप सभी के बीच में मैं आई हूँ, मैं चाहती हूँ इस टीम के लिए, इस प्यारी सी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार। क्या बात है, आइए चलते हैं दरबार में, क्योंकि हम सभी छठ का महापर्व मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगी पहली हाजिरी छठी मैया के चरणों में लगाऊंगी, एक बार जयकार हो जानी चाहिए जोरदार। बोलिए छठी मैया, बोलिए सूरज भगवान।
धन्यवाद इस प्यारे से सम्मान के लिए और प्यारी प्यारी तालियों के लिए। तो आइए एक भजन और छठी मैया के चरणों में हाजिर लगाऊंगी, उसके बाद जैसी आपकी फरमाइश होगी जिस तरह के भजन गाने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ उस तरह के भजन भी सुनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बोली छठी मैया की, बोली सच्ची दरबार की। आइए अब जो मैं भजन गाने जा रही, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा भजन है। कहते हैं मैंने हर शाम चरागों से जला रखी है, मैंने हर शाम चरागों से जला रखी है, शर्त मैंने हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से आज मेरी मैया आ जाए, न जाने किस गली से आज मेरी मैया आ जाए, इसलिए बुरला की हर गली हमने फूलों से सजा रखी है, हमने फूलों से सजा रखी है। आई चलते दरबार में एक बड़े ही प्यारे से भजन के साथ। मैं चाहूंगी जितने भी कमेटी के सदस्य हैं और जितने भी भक्त इस दरबार में आए हैं, थोड़ा झूम के नाच के हाथ लगाएंगे इस भजन पे और माँ से कहेंगे क्या फैल गया है ना। ऐसे नहीं, हर हर महादेव का नारा कैसे लगाते हैं आप सबको बखूबी पता होगा। पूरे हाथों को उठाते हैं और अपने शीश को झुकाते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, है कि नहीं? ऐसे लगाते कि नहीं? तो जरा पूरे हाथों को उठा के नारा लगाएगा जोरदार। ये बात तो आइए चलते हैं दरबार में एक बड़े ही प्यारे से भजन के साथ। वही भजन जो आजकल आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ है, वही प्यारा सा भजन। कहना है बनना है तो फूलों की तरह मत बनो, बनना है तो फूलों की तरह मत बनो, एक दिन टूट कर बिखर जाओगे। बनना है तो पत्थर के जैसा बनो, जिस दिन तराशे गए उस दिन भगवान बन के निखर जाओगे, उस दिन भगवान बन के निखर जाओगे। चलिए आई चलते हैं दरबार में। आमर वीडियो के आम इन से एंड करूँ इतार पार्ट टू भी बहुत जल्दी आएगा और पार्ट टू रे बहुत सुंदर सुंदर जिनिस अच्छे। तो है सब देखवार लगी आमर चैनल के जरूर सब्सक्राइब करबे, आउ जेन माने आमर वीडियो लाइक नहीं करबार तेल तो करी दौन, कमेंट करी दौन। आउ पार्ट टू रे बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण अच्छन, शिव पार्वती अच्छन, एंता बहुत जिनिस माने अच्छे। तो इतने लगी आम चैनल के सब्सक्राइब कर दौन। बाय बाय, मिलमा नेक्स्ट वीडियो रे।